तो हाँ जी गाइस, हम आ चुके हैं फोर्जा होराइजन 4 के अंदर मेरी फेवरेट गाड़ी BMW के साथ। अच्छा। और अपनी गाड़ी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, मतलब तुम देख सकते हो अपने पास सिर्फ स्पोर्ट्स कार है और आजू बाजू में सुपर कार दौड़ रही है। क्योंकि इसका रीजन है हमने गाड़ी ट्यून करा रखी है और बाकी गाड़ियां में भी स्टॉक के अंदर है, तो यही हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है इस रेस के अंदर कि इस गाड़ी का हैंडलिंग थोड़ा सा कमजोर है। और ये अपना मॉडल है BMW M4 GTS। हमारी गाड़ी में सबसे बढ़िया ये है कि हमारी गाड़ी में क्रैकलिंग्स आती है जो और किसी कार में इतनी ज्यादा नहीं होंगी। और अभी हमारी चल रही है 5th पोजीशन और हमें फर्स्ट आना है भाई। पर मुश्किल ये भी है कि ये अभी स्नो पड़ रखी है फोर्जा के मैप के अंदर और यहाँ पर हैंडलिंग और भी ज्यादा वीक हो जाती है हमारी। और भाई बाकी गाड़ियां सुपर कार है तो भाई उनसे कम्पीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अपने आजू बाजू में पगानी, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां दौड़ रही है और भाई देखते देखते हम फर्स्ट पोजीशन पे भी आ गए। अब यार ये कैसा बंदा है यार, इसे भाई मेरी गाड़ी टर्न कर दी इसने। भाई ऐसा भी चोमू होता है क्या भाई? अभी हम लास्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, अभी हमें फिर से ग्राइंड करना पड़ेगा और 35% रेस हो भी चुकी है। हमें फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए ना 11 कार्स को पीछे करना पड़ेगा, जो भाई डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि सभी की सभी बहुत ही तगड़ी सुपर कार्स हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि अभी स्नो पड़ रखी है तो भाई हम ब्रेक भी लगा रहे हैं तो गाड़ी ड्रिफ्ट खा रही है, तो भाई वो डिफिकल्ट है। पर कोई बात नहीं, और भाई देखते देखते अपनी 50% रेस कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक हम लास्ट पोजीशन पे हैं। और इस रेस में अपने आगे लैम्बोर्गिनी भी है। भाई कैसा चोमू ड्राइवर है लैम्बोर्गिनी। अब यार ये फिर से छोटा भीम वाली गाड़ी आ गई। क्या बोला तूने? मतलब मिस्टर बीन वाली गाड़ी है। और भाई हमारी इतनी ज्यादा स्पीड बन रखी थी और इस चोमू ने सभी की सभी स्पीड तोड़। और उस गधे के चक्कर में भाई हमारी 60% रेस कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक हम सिर्फ 10th पोजीशन पे हैं। भाई अभी स्नो है यहाँ पर। भाई साहब कितनी सही ड्रिफ्ट कर रहा हूँ मैं, बाकी वो तो मेरे को पता ही है, मैं पीरो तो हूँ ही। भाई क्या कर रहे हैं यार, ट्रैक कितना ही मुश्किल बना रखा है इन्होंने। 70% रेस कंप्लीट हो चुकी है। भाई हमें कुछ ना कुछ तो तगड़ा करना ही पड़ेगा, पर मेन प्रॉब्लम अबे यार ये फिर से चोमू लोग। अबे क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ? अभी हम रिवाइंड कर रहे हैं यार, मेरे को नहीं पता ये मेरे साथ चीटिंग हो रही है। यार मैं ब्रेक मार रहा हूँ, गाड़ी ड्रिफ्ट खा रही है, वो भी गंदे वाला। अभी हम ध्यान से चलाएंगे यार, अभी ये मतलब लास्ट चांस था। अभी मेरा पूरा फोकस भाई ट्रैक के ऊपर है, हमें 10th पोजीशन नहीं चाहिए, हमें ऊपर की रैंक चाहिए। भाई हमें कुछ ना कुछ तो तगड़ा करना ही पड़ेगा। मेरी गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है यार, क्या ये हो रहा है मेरे साथ? और भाई अभी ठीक है, हम अब भी हमारा आ चुका है साफ ट्रैक। ये वाली रोड की भाई हैंडलिंग ज्यादा बेटर रहेगी स्नो से, तो भाई हमें अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा टर्न्स है और भाई हम स्पीड नहीं पकड़ पा रहे। और ये फिर से ड्रिफ्ट नहीं भाई, नहीं अभी नहीं। हाँ भाई अभी ठीक है भाई, 86% रेस कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 15% रह चुकी है, जिसके अंदर बीट करना यार डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। भाई अभी हम स्पीड खींच रहे हैं, अभी मैं नहीं देख रहा ब्रेक कैसे लगानी है, कहां लगानी है। अभी हमारी गाड़ी नहीं जहाज है भाई, इसे उड़ाई चलो भाई, जहां आ रहा है जो आ रहा है आने दो भाई। 96% रेस हो चुकी है और भाई और कौन सी पोजीशन है? 7th पोजीशन गाइस आ चुकी है हमारी। एटलीस्ट 10th पोजीशन तो नहीं आई ना भाई, यही था हमारे फोकस का रिवॉर्ड। और अगर तुम्हें भी ये गेम बढ़िया लगी हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।